बच्चों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे हीट कैपेसिटी के बारे में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस लिस्ट में जाके आप देखें और उसमें सर्च कीजिएगा हीट कैपेसिटी, तो आपको मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन, हम डिस्कस करेंगे किसके किसके बीच की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, साथ ही साथ मोलर हीट का मोलर स्पेसिफिक हीट और क्या है, एक है मोलर मास ना, तो इन तीनों के बीच कैसा रिलेशन आता है उसको देखना है। तो यदि आप इन सारे चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों अलग अलग टॉपिक से, तो आप उसको जाके देखिए। तो क्या है, हेडिंग लिखना बच्चों, हेडिंग लिखना रिलेशन Among molar specific heat, उसके बाद क्या है specific heat और molar mass, molar mass, इन सारे चीज के बारे में हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो छोटी सी बात कर लेते हैं, कैपिटल एम को मान लेते हैं बच्चों, एम मोलर मास, मोलर मास, स्मॉल एम को कंसीडर करते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, कोई परेशानी क्या। यहाँ पे यदि m कैपिटल m मोलर मास और स्मॉल m दिया हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस, तो n जो होता है बच्चों आप नंबर ऑफ मोल, इसको क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो फाइंड आउट कैसे करोगे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास को यदि डिवाइड कर दो तो क्या बनता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स देगा, नंबर ऑफ मोल देगा। चलो इतना बात हो जाने के बाद हम रिलेशन देखते हैं क्या क्या होने वाला है। बच्चों देख, एक बात, मोलर स्पेसिफिक हीट में आपको क्या रिलेशन बताए थे, Q=Q=NC∆T, यही ना बताए थे। याद करो फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या बताए थे, Q=MS∆T, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, कोई परेशानी क्या, 1 और 2 मान लेते हैं, इक्वेट कर दीजिए 1 एंड 2 को, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वेट कर दिए, कुछ नहीं किया गया, तो क्या लिखोगे, NC∆T=MS∆T, कोई परेशानी क्या, दिस से दिस गैप, मतलब डेल्टा टी से डेल्टा टी गैप हो जाएगा। अब क्या बचेगा, एन को क्या लिख सकते हो बोलो, तो यहां पे आना, इधर देखना बच्चों, इधर इधर देखना, हम एन को लिख सकते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू एम एस, स्मॉल एम से स्मॉल एम गायब हो जाएगा, अरे सी बचेगा यहां पे, अभी सी भी रहेगा ना, सी रहेगा। अब बताओ सी इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं कैपिटल एम एस, कैपिटल एम क्या है हमारा, मोलर मास है, मोलर मास, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, ना दिया रहेगा तो कोई ना कोई आपको इन नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा, मास ऑफ सब्सटेंस लिखा रहेगा, तो मोलर मास निकाल लेंगे, तो कैसे आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा मिलेगा। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट, और सी क्या है बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये सारा हमारा कहानी है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, यहां क्या है, एम हमारा मोलर मास है, एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, तो नंबर ऑफ मोल्स यदि फाइंड आउट करने के लिए कहे तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएगा। ये रिलेशन हम आपको बताए थे स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट के टर्म में, तो ये आया था,
यह स्पेसिफिक हीट का था, दोनों इक्वेशन को इक्वेट। अब मन में आएगा क्यों करेंगे, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू है तो इन दोनों टर्म रेट मतलब हीट ट्रांसफर का ही है ना। या ऐसे सोचो ना कि हमारा LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, तो दिस इक्वेट कर दिया और ऐसा हमारा रिलेशन आया। यही मुद्दे की बात है, इसी को ध्यान रखो। स्मॉलर स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू कैपिटल M S। कैपिटल M क्या होता है, स्पेसिफिक मोलर मास होता है। कैपिटल M क्या है, मोलर मास, और S क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, वही हमारा काम का चीज है ना। तो ये तो हमें रिलेशन देखे हैं, फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टैक्सेट।